हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं पहुंचा हूं तहरीक पाकिस्तान के एक गुमनाम हीरो के मज़ार पर। जी हां दोस्तों, तहरीक पाकिस्तान और बाबा कौम के एक सरगर्म कारकुन, जहां पर मैं इनको खराज अकीदत पेश करने के साथ साथ आप लोगों को भी इस अजीम सपूत के बारे में कुछ अहम मालूम फ्राहम करूँगा। तो रहिए मेरे साथ चैनल पर मौजूद। मेन गेट के दाएं तरफ आपको ये राहदारी नज़र आएगी, जहां से आप अंदर दाखिल हो सकते हैं। वाह, बहुत ही खूबसूरत गमलों और पौधों से रास्ता राहदारी है ये। थोड़ा आगे बढ़ें तो दाएं तरफ आपको एक काउंटर सा नज़र आएगा, जिसमें कुछ किताबें पड़ी हुई हैं। ये तमाम किताबें उसी गुमनाम हीरो की तसानीफ़ हैं जिनके मज़ार पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, यानी मौलाना ज़फ़र अली ख़ान साहब की। जी हां दोस्तों, जैसा कभी आपने सुना, इस वक्त मैं मौजूद हूं मौलाना ज़फ़र अली साहब के मज़ार पर। इनका मज़ार शहर से 3 किलोमीटर बाहर करमाबाद के इलाके में सियालकोट रोड पर वाक़िया है। चलिए मज़ार की तरफ चलते हैं। इनका मज़ार सियालकोट से 40 और गुजरांवाले से 30 किलोमीटर के फासले पर है। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान 18 जनवरी 1873 में सियालकोट के गांव कोट मार्थ में पैदा हुए। इनके वालिद का नाम सराजुद्दीन है। इब्तदाई तलीम करीबी दरसगाह से हासिल की। मिडल और मैट्रिक में अलीगढ़ और पटियाला में ज़ेर तालीम रहे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से बीए की डिग्री हासिल की और मौलाना शिबली नवानी की मार्फ से नवाब मोहसिन मलक के सेक्रेटरी के तौर पर काम किया। मुस्लिम लीग और तहरीक आज़ादी में मौलाना ज़फ़र अली के सरगर्म किरदार को बाबा कौम ने इन अल्फाज में बयान किया, मुझे अपने सूबे में मौलाना ज़फ़र अली ख़ान जैसे 2-4 आदमी दे दें, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि दुनिया की कोई ताकत हमें शिकस्त नहीं दे सकती। और फिर ऐसा ही हुआ दोस्तों, बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और इनके साथियों को कोई भी शिकस्त नहीं दे सका। यह रहा इनका मज़ार अकदस। الفاتحة ये रही इनकी कब्र, जिस पर सफ़ेद पत्थर लगा हुआ है और इनकी तारीख पैदाइश और तारीख वफात तहरीर है और चंद इनके अशार भी लिखे हुए हैं। वो बख्शाने हमें आएंगे क़यामत में, अगरचे काबिले बख्शिश नहीं हमारे अमल, फ़क़त ये बात है कि हम उनके नाम लेवा हैं, करेगी उम्मत आसी की मुश्किलात को हल। वाह, ये रही इनकी जोजा मोहतरमा की कब्र। रौनक मेरे गुलजार की थी जिससे तो बाला, क्या हो गई इससे बेहरामा की रवानी। ये मौलाना साहब ने शेर लिखा था जी अपनी अहलिया के लिए, जो इस वक्त उनकी जोजा मोहतरमा की कब्र पे कंधा है। और ये कब्र है गुलाम हैदर खान साहब, ये मौलाना सराजुद्दीन के दूसरे बेटे की कब्र है, यानी मौलाना ज़फ़र अली ख़ान साहब के भाई की कब्र।
और यह रही मौलाना जफर अली खान साहब के बड़े बेटे की कब्र, जिन्होंने मौलाना साहब की वफात के बाद अखबार की जिम्मेदारियां संभाली थी एडिटर के तौर पर। और ये देखिए दोस्तों, ये मज़ार के साथ ही एक तारीखी इमारत नज़र आ रही है मुझे, जिसके बारे में यहाँ निगरानी पर मामूर एक चाचा जी हैं, उनसे पूछते हैं। चाचा जी, ये जो बिल्डिंग है ये मौलाना साहब की रहिश है जी? ये रहिश है, ये रहिश है। तो आजकल ये कितने कितने इस्तेमाल से? ये उन्हां दा पोता हो। अच्छा, उन्हां दा पोता है, इत्थे रहंदा? नहीं नहीं नहीं, वो लाहौर रहंदा, और ये खाली है। और उन्हें भी औलाद और कोई नहीं है इस वक्त? अच्छा, कोई बंदा नहीं है? अच्छा, कोई जिंदा नहीं है? कोई सब बाहर रहते हैं? बाहर रहते हैं लाहौर। अच्छा, कोई जिंदा है उन्होंने खानदान से? कोई पोता ने, एक पोता ने फौत हो गया ना, पोते ने भतीजे ने पोतियाँ ने। ये मज़ार की दाएं साइड बिल्डिंग वेखन नहीं देंदा? बंद है? बंद है। उस वक्त इतने इन्होंने रिहायश थी? रिहायश ठीक है। वैसे तो वो कोट मिठन पर इस तरह करके पिंड से कुछ कोट मैरिट? हाँ, कोट मैरिट उतों की पे लैंडे जेलम दे। जेलम दे पिंड दासन खान नमक जिते? अच्छा, पिछले उतो आते हैं दारापुर पिंड है। अच्छा, राजपूत विभाग। अच्छा, ये ना दादा जी वो दादा है? अच्छा, इधर वाले जड़े करमलाई? ओ करमलाई। हां हां, वो दादा वो जा ये हजरत करके तो चार कोट आ गए। अच्छा, तो 15-16 किलोमीटर का पिंड है कोट मैरिट करके। कोट मैरिट ये फिर उठ मस्किन आए, उठे इमामत करांदे, उठे मस्जिद दे ना बनवाई ते 8 किले जमीन ना बनाई। अच्छा, ये फिर वो मौलाना जफर अली दा वाल था बने जो सेंटर विच है ना, ते कोई मौलाना सराजुद्दीन ये उन्होंने वाल था। ये फिर इन्होंने इत्थे को 5-1 रुपए जमीन रकबा मुल खरीदया, ये फिर उठो इज्जत कर कर सही है मौलाना जफर अली शाहपुर जी गए। ये रही मज़ार की पिछली साइड। अच्छा, दूसरा ये दसो कि इन्हों का मज़ार सुबह खुलता किन्ने बजे? वे सुबह 6 बजे। सुबह 6 बजे खुल जाएंगे? 6 बजे तो शाम 6 बजे ठीक है। अच्छा, ये मस्जिद भी उस वक्त ही बनी सी या बाद चीज बनी है? ये मस्जिद मौलाना साहब को था देखो, ये मौलाना साहब के हाथ नहीं है दो सी कोठी ते मस्जिद उन्होंने हाथ ही बनी? हां, उन्होंने खुद बनवाई सी। अच्छा, ਇਹ ਕੋਠੀ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੋ ਮਸਜਿਦ ਜਿਹੜੀ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਤਾਮੀਰ ਕਰਵਾਈ ਹੈ? 4 ਸਾਲ ਨਜ਼ਰ ਬੰਦ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਥਰ ਸ਼ਥਰ ਬਾਅਦ ਚ ਲਗਾ ਮੈਂ? ਪੱਥਰ ਹੁਣ ਕੋਈ 2 ਸਾਲ ਲਗਾਇਆ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਅੱਗੇ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਰਡ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਬੋਰਡ ਕਿਉਂ ਹਟਾਤਾ? ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਬਣਵਾਇਆ। ਇਸ ਸੜਕ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਹੀ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਬਾਹਰ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਦਿਖਿਆ? ਹਾਂ, ਸ਼ੇਰ ਦਿਖਿਆ, ਉਹ ਮਿਟ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਟਾ ਹੜਿਆ ਮੈਂ ਹਾਲ ਮਿਟ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਅੱਛਾ, ਬੜਾ ਵਾਜਿਆ ਸੀ ਅੱਗੇ, ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅੱਗੇ ਬੋਰਡ ਆਇਆ ਲੱਗਿਆ, ਮਾਰਬਲ ਆਇਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਮਾਰਬਲ ਥੱਲੇ ਮਾਰਬਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਡ ਗਿਆ ਕਿੱਥਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਰੰਗ ਜੇ ਹੋਇਆ। ਸਹੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਟਰਸਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਥੇ? ਸਹੀ, अच्छा ठीक होगा। यह तो था नाजरीन बाबा सहाफत मौलाना जफर अली खां की आखिरी आरामगाह का छोटा सा विजिट। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी दूसरे मुकाम पर। ख्याल रखिए अपना, अपने प्यारों का। खुदा हाफिज़।